नुसंतारा प्रोजेक्ट का न्यू अपडेट आ गया है जो कि ये फाइनल अपडेट है और इससे पहले भी ऑलरेडी 3 से 4 फाइनल आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा वो तो मैं आपको बताऊँगा क्या कुछ चेंजेस है, और साथ साथ आधे से ज़्यादा लोग वेट कर रहे होंगे आरओजी का रिव्यू के लिए। तो कोई नहीं, हेलास का जो है कल मैं दोपहर में ही रिकॉर्ड कर लिया था, शेड्यूल्स पे लगाया था, आज सुबह उसको रिलीज़ कर दिया क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था तो उसको एडिट नहीं कर पाया। एंड यहाँ पे मॉर्निंग में जो है इसका मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ नुसंतारा का। जब तक आप नुसंतारा की वीडियो देख रहे होंगे तब मैं आरओजी की वीडियो जो है वहाँ पे बना रहूँगा, आपको शाम तक मैं दे दूँगा वीडियो ज़रूर। और हम इस वीडियो में देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले चलते हैं हम अबाउट फोन में। तो नुसंतारा प्रोजेक्ट का जो कि ये एंड्रॉयड 10 है और वर्जन आप देखोगे तो यूएल फाइनल ऑफिशियल जो कि इससे पहले भी सेम बिल्ड के आए हुए थे। बस यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पैच जो है 5 जनवरी 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है। एंड कर्नल आपका बिल्कुल सेम है, एक्सटेंडेड का कर्नल आपको मिल जाता है। सेलिनक्स आपका इन्फोर्सिंग ही है यहाँ पे। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेटस बार की, तो यहाँ पे आपके जो टोगल्स है बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपका यहाँ पे जो ब्लूटूथ का टोगल है, जैसे ब्लूटूथ की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ जो है आपका काम कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो इसमें आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे क्या है कि आप पिछले अपडेट में अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा गो पिछले अपडेट में देखने को मिला था और MIUI कैमरा भी डिफ़ॉल्ट मिलता था, लेकिन कैमरा गो जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया इस अपडेट में और MIUI कैमरा अभी भी आपको देखने को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। और वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे 4K 30fps तक की ही मिलेगी। तो GCam अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आराम से आप यूज़ कर पाओगे। इस GCam की वीडियो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप देख लेना एक बार, इस पे सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल वर्किंग मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं म्यूजिक प्लेयर के बारे में, तो यहाँ पे बीट प्लेयर आपको एक देखने को मिल जाता है। रेट्रो तो आपको पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे एक म्यूजिक और प्लेयर देखने को मिल जाता है जो कि बीट प्लेयर है। और इसका जो UI है कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पे मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो लिरिक्स का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे यूटिलाइजर जो इसका दिया गया है ये काम यहाँ पे नहीं करता है, तो ये आपका यूज़ नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ पे आपके जो बाकी एप्लीकेशन आपको सेम ही मिलने वाले सारी चीज़ें, FM भी आपका वर्किंग मिल जाता है। और प्ले स्टोर की अगर हम बात करें तो प्ले स्टोर आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल आपको सर्टिफाइड मिल जाता है, तो सेफ्टी नेट जो है आपके पास है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। बैंकिंग ऐप जो है आप आराम से यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारा कॉलिंग हो गया, तो कॉलिंग में भी एक चीज़ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कॉलिंग तो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है, वोल्टी भी काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग भी जो है आप आराम से कर पाएंगे। दिक्कत आपको कहाँ पे आती है कि इसका जो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है ऑफ पे आप टैप करते रहोगे लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगा, तो कॉल रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपकी काम नहीं करेगी। तो कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर है फिलहाल अभी आपका वर्किंग नहीं है यहाँ पे, तो एक दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस अपडेट में। एंड अगर हम चलते हैं सेटिंग्स की तरफ, तो आपका वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट काम करता है, कास्ट भी वर्किंग है। और नुसंतारा विंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं नुसंतारा पार्ट्स में, तो यहाँ पे MI साउंड एनहांसर जो दिया गया है ये आपका काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी आपको एक बग मिल जाता है। और यहाँ पे हम चलते हैं थीम्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिली, हालांकि आपको चेंजेस यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है। जैसा पहले था उसी तरीके से डबल टैप टू स्लीप एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आपको मिल जाता है, लॉक स्क्रीन की सेटिंग मिल जाती है, स्टेटस बार के अंदर आपको बैटरी की सेटिंग मिल जाती है। एंड आइकन के अंदर आपका कस्टम लोगो जो कि पिछले अपडेट में ही आपको दिया गया था यहाँ पे नुसंतारा का लोगो, और बाकी सारी चीज़ ये तो जो है आपकी पहले की तरह बिल्कुल मिलती। क्विक सेटिंग्स में भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपका जो है यही सारी चीज़ें मिलती हैं फिलहाल तो। और ट्रैफिक इंडिकेटर भी आपका पहले की तरह है। और अगर हम हार्डवेयर में चलते हैं तो यहाँ पे बटन्स के अंदर भी आपकी कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है, बस आपका जो प्रीवियस बिल्ड में चेंज हुआ था यहाँ पे सो ऐप वॉल्यूम, जो कि पर ऐप वॉल्यूम को आप अपने हिसाब से जो है आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया था पिछले अपडेट में ही। एंड नुसंतारा जो कि हमारा यहाँ पे नेविगेशन बार है नुसंतारा का, तो ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे फिलहाल आपको कोई चेंजेस नहीं है जैसा पहले था, ये भी आपको पहले की तरह ही देखने को मिलेगा और बिल्कुल इसी तरीके से जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से आपका काम करता है। और यहाँ पे हम बैक करते हैं तो यहाँ पे नीचे भी सेटिंग्स आपके बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। पावर मेन्यू के अंदर आपका एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है। एंड बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 65% बैटरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि अगर आपको याद होगा तो पिछले अपडेट में भी 65% ही बैटरी थी। तो बैटरी बैकअप में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल पहले की तरह ही देखने को मिलती है। हालांकि बैटरी बैकअप आपकी अच्छी है लेकिन आपको पहले की तरह ही देखने को मिलेगी, यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं है। एंड
डिस्प्ले के अंदर आपका कोई चेंजेस नहीं मिलता, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर आपका कस्टम ऑप्शन जो कि है सारे ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। डबल टैप टू बैक आपका काम कर रहा है, बैक ऑन प्लग काम कर रहा है। एंड साउंड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे पहले आपको डायरेक्ट साउंड एनहांसर देखने को मिला था पिछली अपडेट में, जो कि इस अपडेट में रिमूव कर दिया गया, और पिछले अपडेट में वो काम भी नहीं करता था, तो यहाँ पे इसे जो है रिमूव कर दिया गया है। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर, और यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक मिल जाता है, और ऐप लॉकर मिल जाता है, जो कि यहाँ का ऐप लॉकर आपका बिल्कुल सिक्योर रहता है, तो आप यहाँ से जो है ऐप लॉक लगा पाओगे आराम से। तो ये जो है आपको मिल जाता है, और स्क्रीन लॉक सेटिंग्स मिल जाते हैं। और फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करें तो जैसे कि एंड्रॉइड 10 में है, लॉक करते ही टैप करोगे तो अनलॉक नहीं होता, एक सेकंड वेट करने के बाद टैप करोगे तो जो है बिल्कुल इसी तरीके से अनलॉक हो जाता है। फिंगरप्रिंट जो है काम कर रहा है यहाँ पे, और फेस अनलॉक की बात करें तो ये भी जो है आपका बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। और डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट तो आपको हमेशा से देखने को इस पर मिलता था, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना यूज़ किया, नोटिफिकेशन एंड अनलॉक सारी चीज़ें। एंड अगर हम चलते हैं सिस्टम के अंदर तो यहाँ पे जेस्चर सेटिंग्स में आपके कोई चेंजेस नहीं मिलने वाला जैसा पहले था। जेस्चर नेविगेशन जो कि आपका, और एडेप्टिव प्लेबैक, और नीचे डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल मिल जाता है, और यहाँ पे सिस्टम अपडेट आपको मिल जाता है, ये कुछ सेटिंग्स मिल जाती है ऑटो अपडेट चेक का, ये कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें टूटू बेंचमार्क स्कोर की, तो 152,588 हमें देखने को मिल जाता है, और इससे पहले वाले अपडेट में 153,000 था। तो यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। 1 से 2 हज़ार आपका हर बार रिफ्रेश करने पे आपका होता है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं मिलता। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पबजी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे ग्राफिक फिलहाल आपका बिल्कुल सेम रहेगा, स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई, और HD पे भी हमें हाई मिल जाता है। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो 90 FPS तो उसकी वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और पबजी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पबजी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, जैसी पहले थी पिछले अपडेट में उसी तरीके से मिलने वाली, यहाँ पे भी आपको कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। कुल मिला के यहाँ पे जो हुआ है वो आपका सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें रिमूव की गई हैं, और फीचर तो वैसे भी आपको यहाँ पे न्यू कोई ऐड देखने को नहीं मिलता, बस एक बीट प्लेयर म्यूजिक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पैच जो है अपडेट है, और आपका जो है यहाँ पे बैटरी बैकअप बिल्कुल पहले की तरह मिलने वाला है, और एंटूटू स्कोर भी आप देख लिए, वो भी आपका बिल्कुल पहले की तरह है। तो मतलब आपका यहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छा ही है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है कि पहले से थोड़ा बढ़ के मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना ही आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे डाउन हुई है, ना ही बढ़ी है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल सेम है, बैटरी बैकअप आपकी सेम है। बस यहाँ पे जो भी चेंजेस था मैं आपको बता दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस अपडेट में संतारा के देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे हम बात करते हैं आरओजी का, तो आरओजी का जो है वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आज शाम तक ही कंप्लीट करके दे दूंगा। हालांकि ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब मैं आरओजी की वीडियो पे ही काम कर रहा हूँगा उस टाइम पे। तो बस आज की वीडियो में यही सारी चीज़ थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको इसका इंस्टॉलेशन देखना है तो इससे पहले वाले अपडेट में इंस्टॉलेशन भी मैं बताया था, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप देख लेना उसमें। बस यही सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।